This is Barkha Dutt, and of course, I'm on the road for the UP elections for the Quint. We ask you to join us for some shayari and of course, some siyasat. Nawabo ka shahar hai aur shayaro ka bhi shahar hai, lekin netaon ka bhi shahar hai. To sabse pehle to aap se poochungi ki ye rajniti ki tutu meme mein kuch shayari aur kuch kavita ki jo ek bhasha hai, ek tehzeeb hai, wo kuch abhi bhi zinda hai kya? Poetry ke silsile mein bahut ajeeb si baatein samne aati hain. कि वो जो धरती पर चल नहीं सकता जी, वो भी ऊंची उड़ान सोचता है, वो जो धरती पर चल नहीं सकता वो भी ऊंची उड़ान सोचता है, और नियतें सबकी तख्तो ताज पे हैं, कौन हिंदुस्तान सोचता है। यहाँ सपेरे भी खुश हैं, तमाशबीन भी खुश, यहाँ सपेरे भी खुश हैं, तमाशबीन भी खुश, अजीब सांप हैं जिनसे है आस्तीन भी खुश। और यहाँ जैसे ये छोटे बच्चे हैं, ये भी देख रहे हैं, और वासिफ साहब ने बात रखी कि भारत के बारे में कौन सोचता है, तो मुझे बच्चों को देख के ये थोड़ा फील हुआ कि भारत, ये देखिए, दिस इज इंडिया। किसी में डोर धर्म की, किसी में मजहब की, ये चरखियाँ तो सदन में घुमाई जाती हैं, रहे जमीन पे तो सबसे मिल के रहती हैं, पतंगे लड़ती नहीं हैं, लड़ाई जाती है। तो मतलब आप देख सोचिए मुजफ्फरनगर या जी, कुछ और सब करवाया जाता है। जाने कैसी दिलों में दूरी है, जिंदगी आज भी अधूरी है, देश आवाज दे रहा है हमें, एक होना बहुत जरूरी है। पोइट्री और पॉलिटिक्स का क्या रिश्ता है? पॉलिटिक्स के कदम जब लड़खड़ाने लगते हैं तो साहित्य उसे संभाल लेता है। बड़ा मजेदार सा सवाल है आप चारों के लिए, हवा का रुख किधर है उत्तर प्रदेश में, कुछ शायराना अंदाज में पता चले तो बेहतर। हमारी बस्ती का एक भिखारी बहुत दिनों से तरस रहा है, हमारी बस्ती का एक भिखारी बहुत दिनों से तरस रहा है, सियासी कशकोल भर के इसका, इसे भी इज्जत माफ कर दो। आपस में भाइयों को लड़ाता रहा हूँ मैं, झूठा हलफ सदन में उठाता रहा हूँ मैं। तूफान भी आता है तो आए न बुझेंगे, बादल भी अगर जोर लगाए न बुझेंगे, कह दो ये सियासत से हमें फूंक न मारे, सूरज है हवाओं के बुझाए न बुझेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता अब इतनी जागरूक हो गई है कि उसको ये बताने की जरूरत नहीं है कि हवा का रुख किधर जाना चाहिए। हम लोग भी जब रिपोर्टिंग करते हैं तो हम कहते हैं भाई ब्राह्मण वोट कहाँ जाएगा, ठाकुर वोट कहाँ जाएगा, मुस्लिम वोट कहाँ जाएगा, हिंदू कंसोलिडेशन होगी, और क्या झूठ बोले, स्ट्रैटेजी भी ऐसी बनती है। अब एक एक जगह आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, लेकिन कुछ लोग ये भी कहेंगे कि जो पिछड़े थे, जो जिनको सप्रेस किया, आइडेंटिटी जरूरी भी है। दूसरी तरफ एक सुप्रीम कोर्ट का बयान है कि भाई आइडेंटिटी को आप मत लाइए, ना धर्म को ना जात को। पर सच तो ये है कि रणनीति भी जो है पार्टियों की, वो इसी मुद्दे, इन्हीं मुद्दों पर बनती। अंत में कुछ अपने ही अंदाज में आज के पॉलिटिक्स को आप समाप्त करिए। नचाए जिस तरह चाहे सियासत, ये जनता है कोई लट्टू नहीं है। नचाए जिस तरह चाहे सियासत, ये जनता है कोई लट्टू नहीं है। हाँ। उसे कह दो ये है दिल्ली की कुर्सी। हाँ। किराए का कोई टट्टू नहीं है। हमें तो इत्र मलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हमारे दिल से हिंदुस्तान की खुशबू महकती है। बहुत ही बहुत बहुत बढ़िया, नो बेटर नोट इन फैक्ट टू रैप अप, साइनिंग ऑफ, वी आर ऑन द रोड हियर। हमने कहा कि सियासत तो चलती रहती है, लेकिन सियासत के साथ शायरी जिंदा है। दिस इज बरखा दत्त साइनिंग ऑफ फॉर द क्विंट।